Hello everyone, in this video we'll discuss the solutions of animal diversity tool 2023 paper. So let us begin. The first question is true and false. Paramecium belong to phylum Coelophora. So that is true because paramecium ke body is all around covered with cilia and it belongs to Coelophora. Two pair of insect wings are articulated with pro and mesothorax. That is false. It is not in the pro, it is meso and metathorax region. Crystalline lens is a short gelatinous rod in echinoderms. False. It is not in echinoderms, it is in mollusk. इन ब्रिटल स्टार्स ट्यूब फीड एड इन लोकोमोशन. नो, एक्चुअली जो ट्यूब फीड होते हैं नॉर्मली उनके ऊपर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ब्रिटल स्टार में सकर्स एब्सेंट है जिसकी वजह से ये सिर्फ फीडिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में नहीं करता. द करेक्ट स्टेटमेंट, एम्फीऑक्सिस बिलोंग टू सब फाइलम. एम्फीऑक्सिस बिलोंग करते हैं सेफेलोकॉर्टेटा से. जॉलेस जो फिशेज होती है उनके हार्ट में डबल चैम्बर या ट्रिपल चैम्बर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और लेकिन उनकी जो सर्कुलेशन होती है वो सिंगल सर्कुलेशन होती है. क्लास विच इज़ रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल, दैट इज ज़ाइफोसूरा. बाइनरी फिजन रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स. बाइनरी फिजन में जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं दोनों इक्वल साइज के होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं मोलस्का से. मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक करेक्टरिस्टिक फीचर है एनालिडा का. स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा का फाइलम इन नेम, इकाइनो मीन्स स्पाइनी एंड डर्मा मीन्स स्किन, तो स्पाइनी स्किन की वजह से है. और पोर बियरिंग एनिमल्स पोरीफेरा. पोरीफेरा का नाम भी पोरीफेरा फ्रॉम पोर बियरिंग ही पड़ा. The next one, difference between radial and bilateral symmetry. अगर हम बात करें radial symmetry की, so when the body of an organism can be divided into two identical half by any plane passing through the center. मतलब कि हम किसी भी plane के along ऐसे 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 along any axis हम उसको cut करें तो उसकी body, organism की body दो equal half में cut हो, तो ऐसी symmetry को हम बोलते हैं radial symmetry. It generates identical body halves around central axis. Body cannot be divided into left and right side. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इसी plane में cut करना है कि left और right side same होगी. We can cut them in any plane. डेवलपमेंट ऑफ हेड इन फ्रंट ऑफ द बॉडी इज रेयर. जो हेड की डेवलपमेंट होती है ये जिसको हम बोलते हैं सेफेलाइजेशन. ये बेसिकली फीचर हमें देखने के लिए मिलता है बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में. तो हेड की जो डेवलपमेंट है वो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर नहीं होती. सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर अराउंड द सेंट्रल एक्सिस. एग्जाम्पल है सी एनेमोन एंड जेलीफिश. वेयर एज अगर हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, सॉरी बायलैटरल सिमेट्री की, सो व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ. अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कट कर रहे हैं सो दैट वो लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे सिमेट्री को बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री. इससे बॉडी में टू साइड्स प्रोड्यूस होती है, लेफ्ट एंड राइट सिमेट्रिकल साइड्स. सैजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स. यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हेड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट फीचर है. ये सेफेलाइजेशन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट फीचर है. इट इज ऑलवेज अकंपनीड विद द डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री. सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अलॉन्ग लेफ्ट एंड राइट साइड्स, तभी वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पा रही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटाथेरिया एंड यूटाथेरिया. मेटाथेरिया की बात करें तो इट इंक्लूड्स बोथ एक्सटेंट एंड एक्सटिंक्ट मार्सुपियल मैमल्स. तो बेसिकली ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं मैमल्स के. एक मैमल्स वो जो मार्सुपियल मैमल्स हैं जिनके पाउचेस होते हैं, और एक मैमल्स वो जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं मतलब जिनकी बॉडी में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है वूम में. मार्सुपियल मैमल्स गिव बर्थ टू अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियोज विच पोस्ट बर्थ क्लाइम फ्रॉम द बर्थ कैनल इन टू द पाउच ऑन द फ्रंट ऑफ द मदर्स बॉडी. एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है पाउच एनिमल्स का कैंगरूज. तो जब कैंगरूज के बेबी बॉर्न होते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं, बहुत छोटे, और दे स्टिल नीड नरिशमेंट. बट वो वूम से बाहर आ जाते हैं और क्रॉल करते करते दे मूव इन टू द आउट पॉकेट, दे मूव इन टू दैट पाउच, और उस पाउच के अंदर रहते हैं अंटिल दे डेवलप फुली. ठीक है, तो वहीं पे वो फीड करते हैं, ग्रो करते हैं, और फुली डेवलप होने के बाद भी जो बेबी कैंगरूज होते हैं वो पाउचेस में ही रहते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन वाइल दे मूव आउट इजीली. ऑन द अदर हैंड यूथेरिया की अगर बात करें तो ये है प्लेसेंटल मैमल्स. दीज मैमल गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड एम्ब्रियोज विच डेवलप इन मदर यूट्रस. तो यहाँ पे जो फीटस है, जो एम्ब्रियो या बेबी है, उसके पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो रही है मदर की यूट्रस में विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटल डिस्क. मोस्ट मैमल बिलोंग टू दिस ग्रुप इंक्लूड ह्यूमन, रैबिट, स्क्विरल, व्हेल्स, एलिफेंट्स एटसेट्रा. The next difference is the difference between dinoflagellata and epicomplexans. अगर हम बात करें dinoflagellata की, तो dinoflagellata जो होते हैं वो ocean dwelling planktons पे होते हैं, और उनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब कि कुछ ocean water में रहते हैं, मैक्सिमम जो है वो ocean water में रहते हैं, दैट इज मरीन में. वेयर आर सम आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर. द सेल्स आर नेकेड और टिपिकली रीइन्फोर्स्ड बाय सेल्युलोज प्लेट्स. तो इनके सेल्स या तो नेकेड होते हैं या फिर दे आर कंप्लीटली कवर्ड बाय सेल्युलोज प्लेट, दैट मीन्स द सेल वॉल, क्योंकि सेल्युलोज से सेल वॉल बनता है. डायनोफ्लैजेलेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ टू फ्लैजेला. नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास दो फ्लैजेला है. वन फ्लैजेला प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी एंड आउट ऑफ द सेल एंड द अदर इज लोकेटेड इन द ग्रूव ऑन द साइड. तो एक जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, और एक जो होता है वो बॉडी के ग्रूव में ही प्रेजेंट होता है. द टू फ्लैजेला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द सेल रोटेट्स एज इट मूव्स बाय द एक्शन ऑफ फ्लैजेला. दोनों
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और सेल की मूवमेंट होती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ फ्लैजेला. डायनोफ्लैजेलेट्स सेलुलर प्लेट्स रीइंफोर्स द सेल. तो अगर हम इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखें, इनकी सेलुलर प्लेट्स होती हैं, दे आर फ्री लिविंग, टू फ्लैजेलास प्रेजेंट है जिसमें से एक फ्री है और दूसरा प्रेजेंट है ग्रूव में. डायनोफ्लैजेला और एपिकॉम्प्लेक्सेंस बेटा ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों हैं हमारे प्रोटोजोन्स, या आप बोल सकते हो प्रोटिस्ट. अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन ये जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये सारे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलेटा में. सार्कलेट होता है पूरा एक, उसमें से एक है एल्वियोलेटा. तो एल्वियोलेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीलियोफोर, डायनोफ्लैजेलेटा एंड एपिकॉम्प्लेक्सेंस. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एपिकॉम्प्लेक्सेंस की, ये पैरासिटिक होते हैं, स्पेशलाइज फॉर लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन एनिमल टिश्यू. द इन्फेक्शियस स्टेज इज स्पोरोजोइड. तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा स्पोरोजोइड किसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है, मलेरियल पैरासाइट की. सो बेसिकली जो मलेरियल पैरासाइट है वो बिलोंग करता है एपिकॉम्प्लेक्स से. द स्पोरोजोइट्स हैव अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनेल्स एट ओन एंड नोन एज एपिकल कॉम्प्लेक्स दैट इज यूजुअली प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. स्पोरोजोइट्स के अंदर एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनेल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है कुछ स्टेजेस में. एपिकॉम्प्लेक्स इन पैरासाइट टू पेनेट्रेट इन टू द होस्ट मेम्ब्रेन, और वही इसको अलाउ करते हैं कि ये होस्ट की मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के अंदर बोर करके पेनेट्रेट कर जाए. दस एपिकॉम्प्लेक्सेंस ऑल पैरासिटिक विद टू होस्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स एट वन एंड फॉर्म्स एपिकल कॉम्प्लेक्स. एपिकल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा है, एपिकॉम्प्लेक्स. एंड दिस एपिकल कॉम्प्लेक्स अलाउज देम टू पेनेट्रेट इनटू देयर होस्ट. तो अगर आप मेजर डिफरेंस देखो, यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है. ये फ्री लिविंग होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है फ्री लिविंग है, वेयर एज दीज आर नॉट फ्री लिविंग. बट येस बोथ ऑफ देम आर प्रोटोजोन्स. उसके अलावा हमारा डिफरेंस था डिफरेंस बिटवीन विनोमस एंड नॉन विनोमस. तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर में भी हमने डिस्कस करा था, यू कैन चेक दैट पेपर. Next question, describe the vascular system of a sea star. This is the same question that we have done in December 2022 paper. Another question, describe the life cycle of a Scarus lumbricoides. This we have already done. I'll put the link in the description. You can go and check the solution there. Describe the salient features of platyhelminths. Describe the polymorphism in hydrozoa. Polymorphism in hydrozoa or features of platyhelminths. ये हम already कर चुके हैं, तो I will definitely put the link in the description. Otherwise, you can check the playlist also. आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, BZYCT131 की प्लेलिस्ट में आपको सारी चैप्टर रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी. नेक्स्ट है डिस्कस द पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस. तो अगर हम बात करते हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों के अंदर रहते हैं. एम्फीबियंस की अगर हम बेसिक क्लासेस की बात करें तो वो होते हैं एन्यूरिन, यूरोडिला और अपोडा. इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स ऑफ एम्फीबिया वी कम अक्रॉस अ ग्रेट डील ऑफ पेरेंटल केयर. एम्फीबियंस शो सेवरल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देयर एग एंड डेवलप देयर यंग वन. तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो तरीके के मैकेनिज्म्स देखने के मिलते हैं, ऑल दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बिल्कुल अलग अलग, थोड़ी बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं अपने एग्स को, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने की. बट ओवरऑल जो हम क्राइटेरिया देखें वो दो ही हैं, या तो वो एनी हाउ इन वन वे और द अदर दे आर कंस्ट्रक्टिंग नेस्ट टू प्रोटेक्ट द एग, और दे आर डायरेक्टली नर्सिंग, दे आर डायरेक्टली केयरिंग द एग्स एंड द बेबीज. देर आर वेरियस वेज बाय विच पेरेंटल केयर इज मैनिफेस्टेड इन एम्फीबियन, दैट इज सिलेक्शन ऑफ साइट के एग्स कहाँ पे ले करने हैं, फ्रॉथिंग ऑफ वाटर करते हैं ताकि एग जो है वो ईजिली हैच ना हो जाए, डिफेंड करते हैं एग्स को, नेस्ट फॉर्म करते हैं, या फिर इन सम ऑर्गेनिज्म दे कैरी द एग्स ऑन देयर बॉडी, कभी अपने नेक के आसपास, कभी अपने बैक पे. सो अगर हम बात करते हैं वन ऑफ द क्लास दैट इज यूरोडेला में, इन सम यूरोडेलन्स द एग आर वेरी स्मॉल, दे हैच एंड डायरेक्टली डेवलप इन टू लार्वा. इन दोज ऑर्गेनिज्म पेरेंटल केयर इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे ज़्यादा पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्स ईजिली हैच होकर लार्वल फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमें एम्फीबियंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस भी देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी. अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दो मैकेनिज्म करते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट. जैसे कि सैलमेंड्रेला कंस्ट्रक्ट अ जिलेटिनस बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अटैच टू अ प्लांट बिलो द वाटर. तो वो क्या होता है कि एक प्लांट है उसके साथ एक जेल की तरह एक बैग बना हुआ होगा. इन दिस बैग द एग्स आर स्टोर्ड and they are protected by the nest. तो ये mechanism क्या हो गया nest forming का. Autodex lays eggs in a dry hole in the soil or in a hole on a tree. The parents also live in the hole and protect the egg and the larva develop from them. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होगी, direct nursing भी क्योंकि they themselves are also taking care, plus nesting भी होगी क्योंकि उन्होंने एक soil में या tree के अंदर किसी hole के अंदर eggs लेकर. अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स की, तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, द मदर कॉइल अराउंड द एग्स एंड प्रोटेक्ट देम. अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो ये मदर ने एग के आसपास कॉइलिंग कर लिया और उन एग्स को प्रोटेक्ट करा हुआ है. इसका एग्जांपल आपका होगा एम्फियोमा. उसके अलावा डेस्मोनैथस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, द मदर कैरीज द एग्स, दे आर अटैच्ड अराउंड द नेक. मदर जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर नेक के आसपास एग्स को कैरी करती है. सैलामेंड्रा में द मदर रिटेन फ्यू एग्स इन इट्स बॉडी, इट लिबरेट्स द लार्वा इनटू द वाटर. सैलामेंड्रा क्या करते हैं, जो मदर ऑर्गेनिज्म होता है, जो मदर सैलामेंड्रा है, वो एग्स को अपनी बॉडी के अंदर ही रखती है और जब वो हैच हो जाते हैं, लार्वा उसमें से हैच आउट होता है, तब वो उन लार्वाज को रिलीज कर देती है वाटर में फॉर देयर कंप्लीट डेवलपमेंट.
वेयर एज अगर हम बात करें पेरेंटल केयर इन एन्यूरा की, एन्यूरा में क्या होता है, द पेरेंटल केयर हैज़ रीच्ड एट इट्स पीक इन दिस ग्रुप, मेनी ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट पेरेंटल केयर, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, अगर प्रोटेक्शन बाय नेस्ट की बात करें तो बहुत सारे फ्रॉग्स और टॉड्स हैं जो नेस्ट बनाते हैं इन विच द एग्स आर लेड एंड डेवलप्ड, दिस इज अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ पेरेंटल केयर, इन दीज ऑर्गेनिज्म द लार्वा कम आउट इन अ वेरी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब कि ये एग्स बहुत जल्दी हैच हो जाते हैं और बहुत अर्ली स्टेज में हैच होने की वजह से क्या रिलीज होता है यहाँ पे, लार्वा comes out in a very early embryonic stage which requires some kind of protection in the early stages of development, hence the parent will build nest. जैसे कि एक example है हाइला का, it is a Brazilian tree frog. The female constructs the nest in the shallow water of a pond. The female digs a hole which is 8 to 10 centimeter deep. The mud which comes out of it is used by the female to construct a wall around the hole. तो वो hole dig करती है और जो भी उससे मिट्टी निकल रही है वो आसपास उसके wall बना देती है और उसके अंदर eggs ले करती है. This wall is raised above the level of water. The female hyla will make the inner surface of the nursery. This nursery स्मूथ एंड इवन द फीमेल विल ले एग्स इन द नर्सरी, प्लस ये जो होल है इसके अंदर वो कुछ जिलेटिनस मटेरियल रिलीज करके इसकी सर्फेस को स्मूथ बनाती है, देन दे रिलीज एग्स इन टू दिस, द एग्स एंड लार्वल फॉर्म्स आर प्रोटेक्टेड इन साइड दिस स्ट्रक्चर. अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन्यूरा इज रैकोफोरस मलाबरिकस, इट इज कॉल्ड चूनम फ्रॉग, इट लेज एग्स ऑन द ब्रांचेस और लीव्स ऑफ ट्रीज विच विल बी हैंगिंग ओवर द पॉन्ड, दीज लार्वा आफ्टर हैचिंग फ्रॉम एग्स डायरेक्टली फॉल इन टू द पॉन्ड वाटर. अगर आप यहाँ पे देखो ये एक लीफ दिखाई हुई है जिसके ऊपर बहुत सारे एग्स जो है वो हैंग कर रहे हैं और नीचे कोई वाटर सोर्स होगा कि जैसे ही लार्वा हैच करेंगे इसमें से तो वो डायरेक्टली दे विल ड्रॉप इन टू द वाटर और फिर वाटर के अंदर वो इजिली सर्वाइव करेंगे, डेवलप करेंगे, दे विल अंडरगो द फर्दर मेटामॉर्फोसिस. अगर हम बात करते हैं जापान ट्री फ्रॉग की, बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स मेक अ बुरो इन द मॉइस्ट सॉइल नियर अ पॉन्ड एज, दिस होल इज फिल्ड विद फोम बाय फीमेल. अब यहाँ पे होल के अंदर वो क्या फिल कर रहे हैं, फोम, उसके बाद फीमेल इसके अंदर एग ले करेगी. द मेल एंड फीमेल एनिमल्स विल मेक एन एग्जिट टनल इन टू द पॉन्ड. अब उसके बाद वो क्या करेंगे, फोम की वजह से जो होल है ना यहाँ ऊपर फोम रिलीज कर दी, एग्स ले करें और दूसरी तरफ एक टनल बना देंगे कि जब ये एग हैच होंगे तो लार्वा दूसरी साइड से बाहर रिलीज हो जाए. ठीक है, सो पेरेंटल केयर में दिस वाज अ ब्रीफ थिंग, बट अगर हम देखें इसके अलावा हम हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है, सो आई विल डेफिनेटली पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी आ जाए. और इस क्वेश्चन में मेन क्या है, इस क्वेश्चन में मेन नेम्स है, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर मैकेनिज्म दैट व्हाट दे डू टू प्रोवाइड द पेरेंटल केयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Define osmoregulation and why osmoregulation is important in marine fishes. अगर हम बात करें तो हमने last paper में osmoregulation in marine and fresh water fishes पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ा था mechanism कि वो osmoregulation करते कैसे है. यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि osmoregulation क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्या है. सो बेसिकली द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म वेदर वो फिश हो या एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो या एक्वेटिक एम्फीबियन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में जो वाटर और आयन का बैलेंस मेंटेन करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन. अगर हम बात करें इस बैलेंस की तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे आयन्स हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने फूड के थ्रू, वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो देर इज अ नीड कि कितने इन आयन्स को सेलुलर लेवल पर कैसे बैलेंस करा जाए. एनी एनिमल अचीव वाटर बैलेंस ओनली इफ द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ वाटर इज इक्वल. All cells in an animal body have very precise concentration of essential electrolytes like sodium, potassium, chloride and calcium to function. And electrolyte balance is also very crucial for their survival. अब ये हमारे cell के बहुत important ions हैं. इसके अलावा भी ions present होते हैं, but ये बहुत ज़्यादा important ion हैं. तो इसलिए हमारी body में एक mechanism होना चाहिए जो इनके balance को maintain करके रखें. अगर हम बात करें typically fishes की, since fishes live in water, it is important that their body fluids are regulated in terms of salt and water content. Fishes देखो या तो fresh water में रहती हैं या marine water में रहती हैं. दोनों ही cases में ये ज़रूरी है कि उनकी बॉडी के अंदर ना तो बहुत ज्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेट होना चाहिए और ना ही ऐसा हो कि बहुत ज्यादा सॉल्ट उनकी बॉडी से रिलीज हो जाए. एंड सिमिलर फॉर वाटर, कि उनकी बॉडी में वाटर का भी बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है कि वाटर बहुत ज्यादा एंटर भी ना हो और वाटर बहुत ज्यादा रिलीज भी ना हो. सो फिशेस आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, तो वो ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करती है, अपना वाटर एंड आयन का जो बैलेंस है वो मेंटेन करती है बिकॉज दे एक्टिवली रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी इन देयर बॉडी फ्लूइड्स. इन दिस सेक्शन यू हैव फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट्स पोज डिफरेंट चैलेंजेस. तो हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर और मरीन जो फिशेस होती है उनको अलग अलग चैलेंजेस आते हैं. हमने ये चीज मैकेनिज्म में पड़ी थी कि जो फ्रेश वाटर फिशेस होती है अब उनकी बॉडी का जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा है. सो देयर आर पॉसिबल चांसेस कि वाटर विल डेफिनेटली एंटर इनटू देयर बॉडी. तो उनको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिससे वाटर उनकी बॉडी के अंदर कम एंटर करे, कम एक्यूमुलेट हो. वेयर एज जो फिशेज मरीन वाटर में रहती हैं, मरीन वाटर में रहने वाली जो फिश होती है उनकी बॉडी के आसपास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. दैट मीन्स उनकी बॉडी के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. सो देयर आर चांसेस दैट दे विल लूज वाटर टू द एटमोसफेयर या टू द एनवायरनमेंट. सो दे नीड अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से एक्सेस वाटर लॉस उनकी बॉडी के अंदर ना हो.
Fishes inhabit both freshwater and marine water. They live and breathe in water. They must maintain ionic balance between their body fluids and surrounding water habitat through a process of osmoregulation. All fishes have an efficient system of osmoregulation. Marine and freshwater fishes have different solutions for their osmotic and ionic balance. Marine fishes ko hum bolte hain hypoosmotic regulators. Unko hum hypoosmotic regulators kyun bolte hain? Kyunki unki body jo hai wo environment matlab unki surrounding ki body ke comparatively hypotonic hai. To wo is hypotonic nature ko maintain karte hain, isliye unko bolte hain hypoosmotic regulators. Marine bony fishes retain water by excreting salts through chloride cells in the gel epithelium and drinking water. To wo apni body ke andar water ko kaise bacha ke rakhti hain? Wo apni body se excessive salts ko bahar nikalti hain through the gills and they drink more of water. Whereas agar hum baat kare fresh water fishes ki, to fresh water fishes hai hyperosmotic regulators kyunki unki body jo hai wo hypertonic hai in comparison to the atmosphere. To wo bahut kam amount of urine jo hai wo release karti hain plus wo salt ko absorb karti hain. On the other hand kuch tilloists hote hain which are eurihaline and can live part of their life in fresh water and salt water. To agar wo dono environment mein reh pa rahe hain to matlab dono environment mein rehne ke liye unke paas different mechanism hone chahiye. They adjust in two different environment by either secreting salts or absorbing salt. On the other hand, elasmobranchs retain their nitrogenous compound like trimethylamine oxide and urea in their extracellular fluid, secrete karte hain salt ko through their rectal glands to maintain the water and ion balance in their body. So this is कि osmoregulation होता क्या है, वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो ions हैं, ये जो electrolytes हैं, वो body के लिए बहुत important है and it is very important to maintain their balance in the body. And यहाँ पे हमने different examples देखे fresh water fish के, tilloists, elasmobranch और marine water fish के. So the next question is short note on torsion and gastropods. ये almost हर paper में repeat हो रहा है. I will definitely put the link in the description. And the next Archaeotrix एक फॉसिल है जिसने रिलेट करा था दैट बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का जो रिलेशन है, जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है, वो हमें बताया था. द अर्लीस्ट नोन बर्ड फॉसिल आर्कियोट्रेक्स लिथोग्राफिका वॉज फाउंड नियर बेवेरिया इन कार्बोनिफोरस डिपॉजिट्स इन द अर्ली 1960s. आर्कियोट्रेक्स फॉसिल्स आर 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड. सो दीज फॉसिल बर्ड्स अकर्ड इन जुरासिक पीरियड. ये जुरासिक पीरियड के टाइम में थे. दे वर क्रो साइज लैंड बर्ड एंड हैड बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन फीचर्स. इनके अंदर रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के दोनों के फीचर्स थे. तो इट वॉज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. इट शोज दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. अगर हम रेप्टिलियन करेक्टर्स की बात करें तो इनके पास क्या क्या था? इनके पास जो जॉस थे विन होमोडोन टीथ, मतलब कि सारे टीथ एक तरीके के, रेप्टाइल लाइक टेल विद कॉडल वर्टे, सॉलिड बोन्स थी इंस्टेड ऑफ हॉलो बोन्स. बर्ड की हॉलो बोन्स होती है बट इनकी जो बोन्स थी वो रेप्टाइल्स की तरह सॉलिड थी. स्टर्नम वीक था. बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट है एंड प्रेजेंस ऑफ रेप्टाइल लाइक पेल्विक गर्डल. और अगर हम बात करें एवियन टाइप फीचर्स की, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. ऑल दो इनकी बोन्स जो है वो सॉलिड है लेकिन बॉडी के ऊपर फेदर की लेयर है. फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड है विंग्स में. टेल के ऊपर भी फेदर्स हैं. बीक प्रेजेंट है. हालांकि जो जॉ है वो रेप्टिलियन फॉर्म का है बट स्टिल बीक के ऊपर, मतलब माउथ रीजन में बीक प्रेजेंट है. स्कल बोन्स आर पार्शियली फ्यूज विच इज सीन इन बर्ड्स. प्रेजेंस ऑफ सर्नम विद कील एंड प्रेजेंस ऑफ वी शेप फर्क्यूरा. सो दिस इज द फॉसिल विच शोज दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड विद फेदर्स. इनके पास पेयर्ड विंग्स होते हैं बिकॉज दे आर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. दे आर एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट्स, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड बिकॉज दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी ऑफ द बर्ड इज यूजुअली स्पिंडल शेप. इस टाइप की शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं. फोर डिविजन्स होती हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. इन बर्ड्स द इंटेग्यूमेंट इज थिन एंड इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस. इनके जो इंटेग्यूमेंट है वो बहुत थिन लेयर होती है और उसमें एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है. एपिडर्मिस जो है वो कवर्ड होती है फेदर्स से या स्केल से. बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स वाइल शैंक and toes are feathered with keratinized, are sheathed with keratinized epidermal skin. लेकिन अगर हम इनके toes देखें तो toes पे feather नहीं होते but keratin की layer होती है. Cutaneous या sweat glands birds में present नहीं होते but uropygial oil या preen glands जो होते हैं वो present होते हैं. जॉ नैरो होते हैं कवर्ड बाय केराटिनाइज्ड शीथ जिसकी वजह से बीक बनती है. टीथ आर एब्सेंट इन द बर्ड्स. बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स जो होती हैं वो न्यूमैटिक होती हैं, मतलब हॉलो बोन्स होती हैं जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है विच मेक देयर बॉडी लाइटर एंड विच हेल्प देम टू फ्लाई. इन बर्ड्स द स्कल बोन्स आर फ्यूज. स्कल की जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज होती हैं एंड द स्कल सिमिलर टू रेप्टाइल हैज ओनली वन. नीड नॉट टू डू दिस थिंग. बर्ड्स हैव अ सिमिलर नंबर ऑफ बोन्स एंड मैमल्स और रेप्टाइल. दिस इज बिकॉज मेनी ऑफ देयर बोन्स आर फ्यूज टुगेदर. तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज होती हैं. Birds have two pair of limbs. The forelimb is modified and is attached to feathers and form the wings. Posterior pair of limbs form the hind limbs are variously adapted for perching, walking or swimming. Nervous system जो होता है well developed होता है. They have 12 pair of cranial nerves. Birds का जो ear होता है, जो पिना होता है वो rudimentary है. Single bone called columella, the inner ear contains a coiled cochlea.
तो इनका आउटर ईयर जो है वो रूडिमेंट्री है, बट इनका इनर ईयर जो है वो डेवलप्ड है. इट हैज़ अ कॉल्ड कॉकलिया. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है बीक से, फिर माउथ में जाता है एंड ओपन इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस हैज़ अ क्रॉप एट इट डिस्टल एंड विच हेल्प इन स्टोरिंग फूड. तो क्रॉप जो होता है उसके काम क्या होता है, मेन फूड को स्टोर करना. उसके बाद क्रॉप ओपन होगा स्टमक में और वो रीजन डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एंटीरियर प्रोवेंट्रिकुलस और पोस्टीरियर मस्कुलर गिजर्ड में. गिजर्ड का फंक्शन इंपॉर्टेंट है. गिजर्ड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रोवाइडेड विद विलाई. स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन टू द आउटसाइड बाय क्लोका. गिजर्ड का फंक्शन है, गिजर्ड हेल्प करता है मास्टिकेशन ऑफ फूड में. तो बेसिकली इनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं है, तो वो जो च्यूइंग का और ब्रेकिंग ऑफ फूड का काम है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो कंटिन्यूसली कहाँ पे हो रही है, गिजर्ड में हो रही है. देन द नेक्स्ट फीचर इज रेस्पिरेशन. ऑब्वियसली दे अकर्स थ्रू लंग्स बाय मीन्स ऑफ कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी एंड ओनली स्लाइटली एक्सपेंडेबल लंग्स. लंग्स एंड एयर सैक फॉर्म अ यूजुअल पैटर्न ऑफ एयर पैसेज. लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स को डिस्क्राइब करो. वहाँ पर हमने सारे एयर सैक्स की बात करी थी कि वो लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो कैसे वेट फ्लो को कंट्रोल करते हैं. एयर सैक्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेप्शनली एफिशिएंट कंटिन्यूस वन वे पैसेज ऑफ एयर. तो वो वन वे पैसेज ऑफ एयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट जिसकी वजह से दे अंडरगो डबल सर्कुलेशन. एज अ रिजल्ट बर्ड हैव सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनीज. यूरेटर्स ओपन इनटू क्लोका. ब्लैडर इज एब्सेंट. तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे इनके पास किडनीज कौन सी है, मेटानेफ्रिक, और इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड. और यूरिक एसिड जब रिलीज होता है तो वो सेमी सॉलिड होता है, और यूरिक एसिड उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में रिलीज होता है जो कंजर्व करते हैं वाटर को. बर्ड्स में सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. मेल्स के पास टेस्टिस होती है, फीमेल्स के पास ओवरीज होती हैं. सो फीमेल्स हैव अ लेफ्ट फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट, राइट ओवरी एंड ओविडक्ट एट्रोफी ड्यूरिंग डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है. बर्ड्स ले एग्स, इसलिए ये ओवीपैरस होते हैं. एग्स इन बर्ड्स आर एमनियोटिक एंड क्लीडोइक विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ योग. बहुत ज़्यादा योग होता है कवर्ड बाय अ हार्ड कैल्केरियस शेल. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल द फोर फीटल मेम्ब्रेन, एम्बियन, कोरियन, योग सैक एंड एलोंटियोस आर प्रेजेंट विद इन द एग. पेरेंट जो होते हैं, पेरेंटल केयर यहाँ पे क्या है, पेरेंटल केयर है कि वो इंक्यूबेट कर रहे हैं एग्स को अंटिल दे हैच इजिली. एग्जिबिट एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर ऑफ देयर हैचिंग. हैचिंग मे बी एक्टिव एट हैचिंग और नेकेड और फेदरलेस. हैचलिंग्स में भी एक्टिव, जो हैच होकर जो बीबीज निकलते हैं वो कभी कभी नेकेड होते हैं और कभी कभी कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर थोड़े थोड़े फेदर्स या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है वो बेसिकली बाय फीमेल्स होती है, क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक है. फीमेल्स एक्स वाई होंगी और मेल्स एक्स एक्स होंगे. सो दिस इज अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द बर्ड्स. द लास्ट क्वेश्चन इज मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट्स. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर देम. सो डू लाइक डू विजिट द प्लेलिस्ट और यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट.